फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गाइस। गाइस देखो आज की वीडियो टाटा पावर पे लेकर आई हूँ। जैसे कि हम लोग सोच रहे थे टाटा पावर के बारे में कि टाटा पावर में मतलब लाइक कल के डे में सोच रहे थे कि आज गिर सकते हैं। देखिए इन्फ्लेशन है, रिसेशन चल रहा है, अमेरिका की मार्केट गिर रही है। जैसे कि आप देख रहे हो रोजन्स में अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, 1.54 की आज देखने को मिल रही है। वहीं नैसडेक में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा पावर का स्टॉक मतलब अभी और नीचे जाएगा या फिर अभी ये टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी देखिए 298 पे पहुंच गया था, 216 पे मिल रहा है। कह सकते हैं मार्केट अभी और गिर सकती है, लेकिन जिस भी स्टेज में अगर आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है टाटा पावर कंपनी को तो आप बाय कर सकते हो। देखिए जो इंडिया नीड मोर देन रिजर्व टू फाइट द फैट, तो जिस तरीके से इंडिया को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और बहुत सी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं तो बहुत दिक्कत आ सकती है स्टॉक प्राइस में। वो गिर भी सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के, बट इट डजेंट मीन कि आप इन्वेस्टमेंट का ना सोचो। देखिए जब आपको लगे, देखिए मार्केट तो गिरती बढ़ती रहती है बट उठती भी है, इसलिए आपको अगर लगता है ये अपॉर्चुनिटी है अभी आपकी इसमें इन्वेस्ट करने की तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। क्योंकि देखिए कह सकते हैं थोड़ा और नीचे जा सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन जब ये उठेगा तो बहुत तेजी से भागेगा और ये मल्टीबैगर वाला स्टॉक है गाइस, आने वाले टाइम का सबसे बड़ा फ्यूचर स्टॉक। क्योंकि आप देख सकते हो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ों पर जिसमें मैं पहले भी वीडियो लेकर आ रखी हूँ, इन सब पे काम चल रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नाउ गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।